हेलो दोस्तों, मैं हूं अनीस। दोस्तों, आज मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूं कि देखिए, ये जो है आप तितली बैठी हुई देख रहे हैं, ये देखिए आप तितली बैठी हुई देख रहे हैं। दोस्तों, ये कैटरपिलर जस्ट अभी अभी जन्मी है और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप जो है इसका प्रोसेस कैसे समझेंगे। देखिए दोस्तों, आपके घर में जो गार्डन में जो कैटरपिलर होता है, जो आपके पत्तों को खाता रहता है हरा हरा, वो जो है जब ओल्ड हो जाता है और उसमें बहुत सारे रुएं निकल आते हैं, बहुत ब्राउन कलर का हो जाता है उसके, क्योंकि वो कई कलर का होता है, कि एक भूरे कलर में भी होता है, एक ग्रीन कलर में भी होता है। वो जिस कलर की पत्ती खाता है उसी कलर का उसका जो है शेप हो, उसका उसी कलर का उसका रंग हो जाता है। और देखिए उस, अब जब फिर वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो जाता है, उसके बाद फिर वो कहीं पर एक जगह दीवार में चिपक जाता है और ऐसा एक डोम सरीखे का शेप बना लेता है, अपने ऊपर पूरा जाल बना लेता है। और उसके बाद अपनी एक प्रोसेस कंप्लीट करता है और तकरीबन कुछ दिनों के बाद उसमें से ऐसे एक कैटरपिलर निकलता है। दोस्तों, जो ये एक ऐसा जीव है जो दो जन्म लेता है, पहले एक बार ये इंसेक्ट कीड़ा बनता है, दूसरी बार में ये जो है जो है ऐसे ही ये तितली बनती है, जिसे बटरफ्लाई बोलते हैं। देखिए दोस्तों, कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने का इसका ये तरीका होता है। दोस्तों, ये मेरे यहाँ पे लगा हुआ था साइड में और बगल में मेरा गार्डन है, तो वही इसको मैं दिखाने के लिए आपको इसको रख रखा था कि जिस दिन भी जो है ये तितली निकलेगी उस दिन मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, एक तितली सजीव है, ये देखिए ये बिल्कुल अभी जिंदा है, अभी छोटी है और अभी भी निकली है, कुछ देर बाद ये भी उड़ जाएगी। दोस्तों, अगर ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि मैं आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ ज़रूर लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।